बैजनाथ विधानसभा सीट से मुल्खराज प्रेमी ने शनिवार को हजारों समर्थकों सहित जिला अध्यक्ष विनय शर्मा तथा मंडल अध्यक्ष करण जम्बाल की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बैजनाथ डॉक्टर मुरारी लाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। हजारों कार्यकर्ताओं में भाजपा मंडल, महिला मोर्चा, भाजयुमो व सभी संगठनों तथा चुनाव क्षेत्र से आए लोगों ने ढोल नगाड़ों के बीच भारी जनसलाव के साथ महाराजा पैलेस से लेकर पूरे बाजार में जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए चुनाव अधिकारी कार्यालय पहुंचे। भाजपा की इस रैली में नौजवानों तथा बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मुल्खराज प्रेमी सभी समर्थकों तथा लोगों की इतनी भीड़ देखकर भावुक मन से धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब परिवार से हूं तथा हाईकमान ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। अब मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आपका प्यार मिले तथा 9 नवंबर को मेरे पक्ष में वोट डालें। प्रेमी ने 70 वर्षों से राज कर रही कांग्रेस को भी खूब कोसा। उन्होंने कहा कि अगर वोटर उनका साथ देते हैं तो बैजनाथ के विकास में वे कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी ने एक गरीब कार्यकर्ता को टिकट देकर ये आम जनता में संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो वो गरीबों की हितैषी है। जो कांग्रेस 65-70 वर्ष में नहीं कर सकी वो मात्र 3 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको उन्होंने करके दिखाया है। और मैं बैजनाथ की जनता का जो सियासत स्नेह मुझे मिल रहा है और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत जो वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और बैजनाथ में एक विकास को नई दिशा मिलेगी, यही मैं जो है कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब कार्यकर्ता को टिकट देकर ये आम जनता में संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो वो गरीबों की हितैषी है। जो कांग्रेस 65-70 वर्ष में नहीं कर सकी वो मात्र 3 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको उन्होंने करके दिखाया है। और मैं बैजनाथ की जनता का जो सियासत स्नेह मुझे मिल रहा है और यहाँ पर ऐतिहासिक जीत जो वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और बैजनाथ में एक विकास को नई दिशा मिलेगी, यही मैं जो है कहना चाहता हूँ।